फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड कीजिए तका। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। अब जैसे जैसे चुनाव का पहला चरण और दूसरे चरण की तारीखें जो है सामने आ रही हैं, नेताओं के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है, खासकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी के नेताओं का। सोशल मीडिया पर रोजाना इनके दौड़ाए जाने के वीडियो जो है आते रहते हैं। अब जरा इसे ही देख लीजिए। इस वीडियो के साथ ये दावा किया गया कि ये मेरठ में जाट बाहुल्य गांव छोर में बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर हमले की तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि सामने खड़ी भीड़ में आरएलडी के झंडे और फिर पथराव भी हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिवाल खास विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर छूर गांव में कुछ लोगों ने पथराव किया। 5 गाड़ियों के शीशे जो है चकनाचूर किए गए। हालांकि हमले से पहले मनिंदर पाल सिंह वहां से निकल गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से बीजेपी नेताओं के जो है वीडियो काफी सारे वायरल हो रहे हैं। तब तक बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आज सुबह से सीएम योगी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बयान जो है सामने दिख रहे हैं। पहले उन्होंने कुएप पर एक कहावत लिखी कि भैया एक कहावत है, करें ना धरें तरकस पहने फिरें। पूरे विपक्ष का यही हाल है, सत्ता में रहे तो कुछ करा ना धरा, अब चुनाव के समय सब तरकस पहनने फिर रहे हैं। वहीं थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान और जिन्ना को लेकर भी दावा बोल दिया। कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। लेकिन इमरान मसूद का इसको लेकर जवाब काफी चर्चा में रहा सोशल मीडिया पर, वो भी सुन लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आपने इतना बढ़िया सवाल किया, इसका जवाब मैं देना चाह रहा था। अखिलेश जी जिन्ना की मूर्ति नहीं लगाएंगे, जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाई। अखिलेश यादव के लोगों ने, अखिलेश यादव की विचारधारा ने जिन्ना के साथ सरकार नहीं बनाई थी। 12 दिसंबर 1941 को बंगाल प्रोविंस के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के ए.के. फजलुल हक साहब की गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बने और उसी सरकार के अंदर वो उप मुख्यमंत्री बने और उन्होंने द्विराष्ट्र थ्योरी को, जो टू नेशन थ्योरी थी, उसका समर्थन किया। सरहदी सूबे के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार हिंदू महासभा के लोगों ने तोड़ करके मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस की सरकार तोड़ करके बनाई। सिंध के अंदर इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया 1936 के अंदर और उस 1936 के रेजोल्यूशन को 27 अप्रैल 1940 के अंदर मुस्लिम लीग ने लाहौर के अंदर पास किया कि देश का विभाजन होना चाहिए। तो ये विभाजनकारी जो नीति करने का समर्थन करने वाले लोग हैं वो जिन्ना की मूर्ति लगाएंगे। हम जिन्ना को सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं, जिन्ना हमारा सबसे बड़ा दोषी है, जिन्ना ने देश का विभाजन करने का काम किया। तो जिन्ना के साथ काम करने वाले लोग जिन्ना की मूर्ति लगाएंगे, जिन्ना के विरोध करने वाले लोग नहीं। तो कुल मिला जुलाकर विधानसभा चुनाव से पहले सब चाह रहे हैं कि माहौल वो बने जिसकी वो बात कर रहे हैं, लेकिन होगा वही जो जनता चाहेगी। सही बात है ना जी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि जो कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर जनता पर सैकड़ों मुकदमे लाद रहा था, एक हफ्ते पहले बकायदा लोगों को ये शिक्षा दीक्षा दे रहा था कि कोरोना काल में मास्क पहनना कितना जरूरी है, अब उन्हीं असीम अरुण को नेता बनते ही मास्क की जरूरत ही नहीं है। देखिए जरा। बीजेपी ने कन्नौज सदर विधानसभा सीट से असीम अरुण को टिकट दिया है, जिसके बाद वो डोर टू डोर लोगों से मिलने का कार्यक्रम कर रहे थे। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आसपास जितने भी लोग उनसे मिल रहे हैं वो बिना मास्क के हैं। आखिर कमिश्नर साहब अब माननीय नेताजी हो गए हैं।
इस वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है और पुलिस अधिकारी से नेता बने असीम अरुण पर चर्चा हो रही है। तो भैया ये था आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुन लीजिए कि अब यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको यूपी तक की वेबसाइट पर मिलेंगे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।